हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनवीडिया के सुपर कार्ड्स के बारे में। तो गाइस, एनवीडिया ने लॉन्च कर दिया है नए सुपर कार्ड्स, एंड आई थिंक अभी तक तुम लोगों ने काफ़ी सारी अनबॉक्सिंग देख ली होगी। हावर, अगर अनबॉक्सिंग से मन भर गया हो तो चलो अब रियल बेंचमार्क्स एंड क्या ये हमको कार्ड लेना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट प्रोडक्ट स्टैक की। तो उसके हिसाब से अभी जो एनवीडिया का करंट प्रोडक्ट स्टैक आएगा उसके अंदर लाइनअप कुछ ऐसे होगा। RTX 2060 जो 6 GB वाला वर्जन अभी तक मिल रहा था वो मिलता रहेगा। उसके बाद आएगा RTX 2060 सुपर, फिर आएगा RTX 2070 सुपर, फिर आएगा RTX 2080 सुपर, एंड राजा रहेगा RTX 2080 Ti। सो अब बात करते हैं क्या होगा RTX 2070 एंड RTX 2080 का। तो गाइज, वो दोनों कार्ड्स बंद हो जाएंगे एंड आपके प्रोडक्ट सेट से गायब हो जाएंगे। सो बेसिकली एनवीडिया ने क्या किया है, RTX 2070 एंड RTX 2080 को बंद करके उनके प्राइस पॉइंट पे RTX 2070 सुपर एंड RTX 2080 सुपर को लॉन्च किया है। बट 2060 के साथ क्या हुआ, वहां पे उन्होंने 2 GB VRAM बढ़ा दिया है, यानी कि अब हमको 6 की जगह 8 GB GDDR6 मेमोरी मिलेगी। एंड वो 8 GB GDDR6 मेमोरी आपको 256 CUDA कोर्स एक्स्ट्रा और मिलेंगे RTX 2060 से। तो बेसिकली ये काइंड ऑफ एक RTX 2060 Ti बन गया है जो कि फास्टर है RTX 2060 से। तो Ti की जगह उन्होंने सुपर यूज़ किया, बिकॉज Ti वो ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं एंड लोगों को और ज़्यादा कंफ्यूज करने में उनको मज़ा आ रहा था, तो आई थिंक दैट इज़ वाई उन्होंने एक नया नाम लॉन्च कर दिया है। चलो गाइज, अब कहानी बहुत हो गई, अब बात करते हैं सीरियस स्पेसिफिकेशंस की। तो जितने भी बेंचमार्क्स हैं वो मैंने टेक्सपॉट के वेबसाइट से उठाए हैं, तो अगर तुम लोगों को जाके चेकआउट करना है वो भी जाके चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं RTX 2060 सुपर के बारे में। US में इसका प्राइस $400 है, इसका मतलब तुम लोग देख सकते हो RTX 2060 से ये $50 के आसपास महंगा है। एंड इंडिया में इसका ऑफिशियल प्राइस है 34,890, जो कि 31,000 रुपीज़ के RTX 2060 से करीब 3,500 रुपये महंगा है। RTX 2060 हमको अभी इंडिया में, अगर हम AIB बोर्ड पार्टनर्स की बात करें, तो 28,000 रुपये के आसपास से मिलता है। तो बेसिकली 5 से 6,000 का डिफरेंस रहेगा। एंड जो AIB बोर्ड पार्टनर्स वाले कार्ड होंगे, जो कि गैलेक्सी इनो 3D वगैरह निकालेंगे, वो हमको करीब करीब 32,000 या 33,000 से मिलना चालू हो जाएगा। नाउ इसके बाद जब हम बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें हमको 256 CUDA कोर ज्यादा मिलते हैं, जो कि अराउंड 13% है RTX 2060 से। एंड इसके अलावा हमको 33% इंक्रीज मिलता है ROPS में। साथ ही 192 बिट का जो मेमोरी बस है, जो कि ओरिजिनल RTX 2060 में मिलता था, उससे वो अपग्रेड हमको मिलता है 256 बिट सुपर वर्जन में। तो बेसिकली ये वही कार्ड है TU106, जो कि RTX 2070 यूज करता था। हाउएवर RTX 2070 से थोड़े से CUDA कोर्स को कम करके हमको RTX 2060 सुपर दिया गया है। इसके अंदर हमको 14 GBPS की GDDR6 मेमोरी मिलती है। बैंडविड्थ 33% बढ़ाई गई है, बिकॉज 192 से 256 बिट हो गया है उसका बैंडविड्थ। तो हमको 448 GB/s तक का बैंडविड्थ मिलता है। एंड ये वही सब मेमोरी सब सिस्टम है जो कि RTX 2070 एंड RTX 2070 सुपर को मिलता है। सो बेसिकली हमको 8 GB रैम मिलता है एंड TU106 सिलिकॉन, जो कि RTX 2070 में यूज होता था, तो वो मिलता है, उसी का कट डाउन वर्जन है। सो अब बात करते हैं RTX 2070 सुपर की। नाउ ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है, बिकॉज RTX 2070 सुपर इंडिया में मिलता है 43,600 का, एंड इसका प्राइस पॉइंट RTX 2070 को रिप्लेस करता है। प्राइस पॉइंट भी सेम है एंड परफॉर्मेंस इज बेटर देन RTX 2070। तो बिकॉज ये सेम प्राइस पॉइंट पे आता है, तो दिस इज रियली एन अपग्रेड, एंड एनवीडिया ने हमको इसमें सही में कुछ दिया है। तो हमको इसमें अगेन 256 CUDA कोर ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू RTX 2070। 11% का अपग्रेड है CUDA कोर्स में एंड 28% ज्यादा टेक्सचर यूनिट्स मिलते हैं, जबकि ROP का जो नंबर है वो सेम है। इसके अलावा हमको अराउंड 9 से 10% का बूस्ट क्लॉक में इंक्रीज मिलता है। हाउएवर जितने भी फैक्ट्री क्लॉक कार्ड्स होंगे वो जनरली थोड़े से ओवरक्लॉक रहते हैं फाउंडर एडिशन से, तो इट डजंट मींस अ मच। बट 8 GB का GDDR6 मेमोरी, 14 GBPS स्पीड एंड 448 GBPS का बैंडविड्थ, जो कि स्टैंडर्ड है अगर हम कंपेयर करें RTX 2060 सुपर, RTX 2070 एंड 2070 सुपर को। RTX 2070 सुपर यूज करता है TU104 सिलिकॉन, जो कि RTX 2080 यूज करता था। सो इसमें आप देख सकते हो कि हम लोगों को जो अपग्रेड मिला है, जो CUDA कोर्स का बूस्ट मिला है, जो ज्यादा संख्या में मिला है, उसका रीजन ये है कि उन्होंने जो चिप है उसको बेसिकली डाउनग्रेड कर दिया है। हमको TU104 चिप
चिपसेट जो कि RTX 2080 में मिलता था वो हमको RTX 2070 में सुपर में मिल रहा है। सो बेसिकली वी आर गेटिंग एन अपग्रेड ओवर देयर, बट RTX 2060 सुपर इज अ रिप ऑफ टोटली। इसके अलावा एक RTX 2080 सुपर कार्ड है जो कि RTX 2080 को रिप्लेस करेगा, एंड RTX 2080 सुपर हमको मिलेगा 61,400 के प्राइस पॉइंट पे, जो कि RTX 2080 के प्राइस पॉइंट को हिट करता है। सो RTX 2080 सुपर एंड RTX 2070 सुपर इज रियली एन अपग्रेड, आपको सेम प्राइस पे ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है। हाउएवर RTX 2060 सुपर इज एन अपग्रेडेड कार्ड, यानी कि वो RTX 2060 को रिप्लेस नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे NVIDIA ने अपना जो गेम है वो थोड़ा खेल दिया है, बिकॉज ज़्यादातर लोग जो हैं वो बजट गेमर रहेंगे। RTX 2060 एंड RTX 2060 सुपर में देर इज रियली अ परफॉर्मेंस डिफरेंस, सो दैट इज वेयर NVIDIA ने, मेरे को लगा कि थोड़ा सा गलत काम किया है, जबकि उनको RTX 2060 सुपर को भी रिलीज करना चाहिए था। साथ ही हुआ यह है कि RTX 2070 सुपर का परफॉर्मेंस उन्होंने इतना अपग्रेड कर दिया कि नाउ वो Radeon 7 को बीट करता है जो कि इससे थोड़ा महंगा है। सो दैट इज वेयर NVIDIA ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है व्हेन दे हैव लॉन्च्ड RTX 2070 सुपर एंड RTX 2080 सुपर। जो RTX 2080 सुपर कार्ड है उसमें उन्होंने टीज किया है कि 14 GBPS की जगह 15.5 GBPS का GDDR6 मेमोरी यूज करेंगे। और लेट्स सी कि आगे जब स्पेसिफिकेशंस निकलेंगे तो उसमें हमको और ज्यादा पता चलेगा। सो जो बेंचमार्क्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे वो एक i9-9900K के साथ है, एंड वो 5 GHz के स्पीड पे 32 GB की DDR4 मेमोरी 3400 MHz के स्पीड पे चलते हुए हैं। साथ ही सारे लेटेस्ट ड्राइवर्स हैं। एंड चलिए अब बात करते हैं बेंचमार्क्स की। तो बेंचमार्क्स में 1440p रेजोल्यूशन पे ये ट्राई किए गए हैं। तो RTX 2070 सुपर RTX 2080 Ti एंड RTX 2080 को नहीं बीट कर पाता है, 7 and 8 FPS कम है। हाउएवर इट बीट्स RX Vega 64 एंड RTX 2070 बाय अराउंड 10 to 15 FPS, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10-15% का परफॉर्मेंस डिफरेंस रहता है। RTX 2060 सुपर 16% के आसपास स्लोअर है RTX 2070 सुपर से, एंड थोड़ा सा पीछे है RTX 2070 से। नाउ इस हिसाब से हमको RTX 2060 सुपर जो है उसमें हमको RTX 2070 के परफॉर्मेंस को टच करने का मौका मिल रहा है, बट द प्राइस जो उन्होंने अगर वो उन्होंने थोड़ा सा 30,000 से नीचे कर दिया होता तो मजा ही आ जाता। अब बात करते हैं टॉम क्लेंसी रेनबो सिक्स सीज की। तो इसमें RTX 2070 सुपर इज द थर्ड फास्टेस्ट कार्ड आफ्टर RTX 2080 एंड RTX 2080 Ti। Radeon 7 एंड GTX 1080 Ti को ये बीट करता है, विच इज वेरी इंप्रेसिव। वहीं RTX 2060 सुपर 111 FPS के साथ RTX 2060 एंड RTX 2070 के एग्जैक्टली बीच में आके बैठता है। अब बात करते हैं मेट्रो एक्सोडस की, जहां पे RTX 2070 सुपर जो है वो Radeon 7 को नहीं बीट कर पाता है, उसको 81 FPS मिलते हैं 84 की जगह। वहीं RTX 2070 से वो अराउंड 10 FPS यानी कि 12-13% फास्टर है, एंड RTX 2060 सुपर 68 FPS के साथ Vega 64 एंड RTX 2060 इन दोनों से फास्टर है। हाउएवर द मार्जिन इज नॉट सो गुड एंड आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। फिर बात करते हैं Resident Evil 2 की, एंड यहाँ पे RTX 2070 सुपर को मिलते हैं 111 FPS, जो कि स्लोअर है Radeon 7 GTX 1080 Ti RTX 2080 एंड 2080 Ti से। हाउएवर इट इज फास्टर देन RTX 2070 एंड Vega 64। वहीं पर RTX 2060 सुपर जो है वो बिटवीन RTX 2070 एंड Vega 64 एंड RTX 2060 के बीच में आता है। सो अगेन थोड़ा सा अपग्रेड मिलता है, बट इट्स नॉट वेरी मच। नेक्स्ट बात करते हैं शैडो ऑफ द टोम रेडर में, RTX 2070 सुपर RTX 2080 के को बहुत हल्के से टच करता है एंड RTX 2080 Ti के को इक्वेट करता है, बराबरी करता है। हाउएवर RTX 2060 सुपर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है Vega 64 एंड RTX 2060 को अच्छे से बीट करता है, अराउंड 10-11% का परफॉर्मेंस डिफरेंस है। फोर्टनाइट में जो RTX 2070 सुपर है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस अगेन अपना कंटिन्यू करता है, RTX 2070 से बेहतर परफॉर्मेंस, RTX 2080 से कम। वहीं RTX 2060 सुपर जो है वो 105 FPS के साथ बिटवीन Radeon 7 एंड GTX 1080 है। सो अगेन अ डिसेंट बूस्ट अगर हम कंपेयर करें RTX 2060 के साथ, बट बहुत कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं डिवीजन 2, एंड यहाँ पे RTX 2070 सुपर ने अगेन अपना परफॉर्मेंस दिखाया 88 FPS के साथ। ये थर्ड फास्टेस्ट कार्ड है जब तक RTX 2080 सुपर नहीं निकलेगा।
वहीं पे अगर हम बात करें RTX 2060 सुपर की, तो ये RTX 2070 एंड RTX 2060 के बीच में परफॉर्म करता है, बट इट इज अगेन नॉट दैट इम्प्रेसिव कि मैं आपको बोलूं कि जाओ RTX 2060 खरीद लो। फिर बात करते हैं डर्ट रैली की, जो कि एक रेसिंग गेम है। यहाँ पे RTX 2080 सुपर GTX 1080 Ti एंड Radeon 7 को नहीं बीट कर पाता है, वहीं पे RTX 2060 जस्ट RTX 2070 के नीचे आता है, 3 FPS उससे कम है एंड Vega 56 एंड Vega 64 उससे नीचे है। सो दैट इज अ गुड परफॉर्मेंस एंड वन ऑफ द ओनली परफॉर्मेंस जहां पे जो कन्विंसिंग मार्जिन है RTX 2060 एंड 2060 सुपर कार्ड के बीच में। फिर बात करते हैं Forza Horizon 4 की, एंड इसमें RTX 2070 सुपर को मिलते हैं 104 FPS जो कि Vega 64 से धीरे काम कर रहा है। हाउएवर RTX 2060 सुपर अगेन बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, RTX 2060 से जस्ट 4 FPS ज्यादा देता है एंड इट इज GTX 1070 Ti भी उसको बीट कर रहा है, तो यहां पे वो मार्क खा गया है। Far Cry New Dawn की बात करें तो 2070 सुपर इज स्लोअर देन RTX 2080 एंड RTX 2070 से फास्टर है, वहीं पे RTX 2060 सुपर जो है वो फास्टर है Vega 64 GTX 1080 से, हाउएवर RTX 2070 से वो स्लोअर है। वर्ल्ड वॉर जी नेक्स्ट गेम, यहाँ पे RTX 2070 सुपर को मिलता है 116 FPS जो कि RTX 2080 एंड GTX 1080 के बीच में परफॉर्म करता है, वहीं पे RTX 2060 सुपर जो है वो थोड़ा सा अगेन बहुत ही हल्का परफॉर्म करता है, RTX 2060 से तो फास्टर है बट RTX 2070 Vega 56 एंड Vega 64 इन तीनों से स्लोअर है। फाइनली हम लोग बात करते हैं Assassin's Creed Origin की, एंड यहाँ पे RTX 2070 सुपर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, इसने Radeon 7 को बीट किया है एंड GTX 1080 Ti से थोड़ा सा स्पीड में कम है। हाउएवर RTX 2060 सुपर जो है उसको 68 FPS मिलता है जो कि RTX 2070 का स्कोर है एंड RTX 2060 से अराउंड 10% फास्टर है। अब बात करते हैं गाइस पावर कंजम्पशन की, तो RTX 2060 सुपर बहुत ही ज्यादा पावर एफिशिएंट है एंड सिर्फ 5% ज्यादा पावर खींचता है RTX 2060 से जो कि सिर्फ 4 वॉट्स के आसपास रहता है। वहीं पे RTX 2070 सुपर भी 198 वॉट्स की TDP पे कूद गया है एंड उसकी जो पावर है वो 11% ज्यादा है RTX 2060 सुपर से। अगेन एफिशिएंट है बट जब हम कंपेयर करते हैं Radeon 7 के साथ उसके बाकी के कार्ड्स के साथ इट इज क्वाइट सिमिलर इन द एफिशिएंसी थिंग। अब बात करते हैं GPU पावर की, तो सिर्फ GPU की जब हम बात करें गेमिंग लोड पे RTX 2060 सुपर अराउंड 178 वॉट्स का लोड लेता है, 2070 सुपर अराउंड 198 का, कंपैरिजन में Vega 56 237 वॉट्स का लेता है, Radeon 7 247 वॉट्स का। अगर हम पूरे सिस्टम का पावर ड्रॉ देखें तो अगेन अगर आप RTX 2060 सुपर के साथ एक सिस्टम बनाओगे तो वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा, वहीं पे अगर आप एक RTX 2070 से बनाओगे तो डेफिनेटली उसका परफॉर्मेंस ड्रॉ जो है वो ज़्यादा है RTX 2070 से एंड कम RTX 2080 से। तो गाइज अब बात करते हैं कंक्लूजन की, तो इतना कुछ तो मैंने बेंचमार्क से तुम लोगों को बोल दिया यार, अब इसका क्या है मतलब व्हाट इज द टोटल, हमने क्यों इतना सारा डिस्कस किया एंड क्यों अनबॉक्सिंग के बाद भी तुम लोगों को बेंचमार्क देखना चाहिए। तो RTX 2060 सुपर की बात करते हैं, ये ओरिजिनल RTX 2070 से सिर्फ थोड़ा सा स्लो है, सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 4% स्लो है, जहां पे उसने एक आध गेम में RTX 2070 को टच भी कर लिया है, बट RTX 2070 से वो काफ़ी सस्ता है अराउंड 10,000। RTX 2060 सुपर वर्सेस RTX 2060 की बात करें तो अराउंड 9% फास्ट है, बट जो 3,000 से 4,000 रुपये आप ज़्यादा दे रहे हो बिकॉज ओवरक्लॉकिंग नहीं किया है, तो ओवरक्लॉकिंग के बाद थोड़ा सा और वो रहेगा, तो जो 3,000 से 4,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हो आई थिंक उसको NVIDIA थोड़ा सा और बढ़ा सकता था एंड RTX 2060 को डिस्कार्ड करके RTX 2060 सुपर को वो अपना मेन स्ट्रीम फ्लैगशिप कार्ड बना सकता था 30,000 के बजट में, जहां पे मुझे लगता है उसने थोड़ा सा अपना चांस जो है वो मिस कर दिया है। एंड अगर हम बात करते हैं Vega 56 के अगेंस्ट में RTX 2060 को पिट करते हैं, तो उस केस में Vega 56 का प्राइस जो है वो इंडिया में थोड़ा बहुत कम हो गया है एंड जब हम बात करें RTX 2060 34,000 पे, Vega 56 अराउंड दैट 34,000 से 40,000 के बीच में, तो वहाँ पे अगेन RTX 2060 सुपर एक बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, बट जब आप इसको स्पेसिफिक स्टॉक RTX 2060 से कंपेयर करते हैं जो कि 28,000 में आपको मिलता है, तो आई डोंट नो 6,000 रुपये वर्थ हैं कि नहीं देने के लिए। तो गाइज जब तक AMD जो नावी कार्ड्स हैं वो लॉन्च नहीं होते हैं तो हम लोग AMD एंड NVIDIA को डायरेक्ट तो कंपेयर करा नहीं सकते हैं, हाउएवर बहुत एक क्लियरली बात ये है कि आई थिंक जो RTX 2060 सुपर कार्ड है उसके लिए मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, बिकॉज
आई एम नॉट वेरी श्योर वो कार्ड कितने लोग चूज करेंगे. अगर वो कार्ड लोग लेना चाहते हैं तो पीपल आई थिंक वुड गो फॉर RTX 2070 जिसका प्राइस थोड़ा सा कम रहेगा एंड उसके जो पीसेस बचे हुए हैं वो इंडिया में थोड़ा सस्ता बिकने की उम्मीद करेंगे. RTX 2070 सुपर काफी अच्छा है एंड वो Radeon 7 को एकदम मौत के घाट उतार देता है. तो AMD का जो लेटेस्ट फ्लैगशिप है दैट इज ओवर Radeon 7 RTX 2070 सुपर से मार खाता है एंड दैट्स पीरियड. उसके अलावा प्राइस भी उसका कम है अराउंड NVIDIA RTX 2070 सुपर की तो वो 43,000 में आता है. वहीं पे अगर हम बात करें AMD के Radeon 7 कार्ड्स के बारे में तो वो थोड़े महंगे हैं. इट कम्स आउट टू बी अराउंड 60,000 रुपीस जो एट दैट प्राइस पॉइंट इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस. तो गाइस RTX 2070 कार्ड्स के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. RTX 2080 सुपर के लिए और भी ज्यादा उसका जितना ज्यादा क्लैरिफिकेशन आएगा आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. हाउएवर RTX 2060 सुपर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है. आई थिंक उसको 30,000 के प्राइस पॉइंट को हिट करना चाहिए था एंड उसका रीज़न ये लोग बोल सकते हैं कि 2GB VRAM ज़्यादा है. बट वाई डज इट मैटर जब तुमने अपने एग्जिस्टिंग कार्ड्स को रिप्लेस किया है तो तुम इस कार्ड को भी रिप्लेस कर सकते थे. तो गाइज आई थिंक तुम लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा. साथ ही फाउंडर्स एडिशन जो है उसके बाद जब AIB बोर्ड पार्टनर्स अपने कार्ड लेके आएंगे तो वो थोड़े ज़्यादा बेहतर होंगे एंड ज़्यादा परफॉर्मेंस वो दे पाएंगे आपको. तो आई थिंक यू शुड वेट एंड जब तक नावी के कार्ड्स का बेंचमार्क सामने नहीं आ जाता है तो वी कैन नॉट डू दिस. तो गाइज थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आए तो गिव इट अ थम्स अप, अगर नहीं तो गिव इट अ थम्स डाउन. आई एम लाइव स्ट्रीमिंग एवरी डे, तुम लोग आओ स्ट्रीम पे एंड बहुत सारा मजा करेंगे हम लोग. वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. आई होप तुम लोगों को काफी अच्छा लगा होगा. फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. स्टे ऑसम, स्टे सेफ, जय हिंद. प्रेस द बेल आइकन ऑन YouTube ऐप एंड नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम TechTube Lite. पीसी मास्टर रेस इंडिया यूट्यूब चैनल के लिए एंट्रीज ओपन है. कैसे पार्ट लेना है? बहुत सिंपल है. मेरे वेबसाइट पे यानी www.techcubelite.in पे मैंने एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है जो कि कुछ इस तरह से दिखता है. वहां जाके सिर्फ 5 मिनट में डिटेल्स भर दो एंड दैट्स इट. आपको अपने सेटअप के मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 10 फोटोज खींच के भेजने हैं जो कि आप डायरेक्टली मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हैं. इसके बाद CPU-Z ओपन करके CPU इन्फो, GPU इन्फो एंड बेंचमार्क चला के स्नैपशॉट ले लेना है. इसके अलावा आप सिनेबेंच R15, R20, फायर स्ट्राइक, सुपर पोजिशन एंड अपने फेवरेट गेमिंग बेंचमार्क्स का भी स्नैपशॉट लगा सकते हो. एंड फाइनली अपने पीसी के डिटेल्स को उस फॉर्म में भर दो. बस इतना ही था. इसके अलावा अगर कोई भी वीडियो फाइल है तो तुम लोग अपने गूगल ड्राइव पे डाल के शेयर कर देना. पीसी मास्टर रेस इंडिया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जितना जल्दी हो सके. लिंक डिस्क्रिप्शन में है.